हेलो एवरीवन, आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वांटम मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स में फर्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि हमें पता है कि ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आ चुका है, तो आप सभी उसके लिए प्रिकॉशंस लें, मास्क लगा के रखिए, हेल्थी रहिए, सेफ रहिए एंड स्टे एट होम। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 1926 में इरविन ने फाइंड की थी। इसमें इन्होंने क्या बोला था, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में स्टडी की 1926 में। तो इसमें उन्होंने वेव पैकेट या वेव फंक्शंस के बारे में स्टडी की। जो वेव फंक्शन है किसी भी पार्टिकल के लिए उसकी पोजीशन और टाइम पर डिपेंडेंट है। तो इसकी जो इक्वेशन थी, साई एक्स टी इज इक्वल टू 1/√2π इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लोअर लिमिट टू अपर लिमिट वैल्यूज ए के एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ऑफ एच स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m(t) क्लोज ब्रैकेट इनटू ऑफ डी के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे k जो है दैट इज वेव वेक्टर एंड एच कट जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम लिखते हैं दैट इज h/2π। एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट और प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है 6.0234 × 10⁻³⁴ डिवाइड बाय 2 × 3.14। सॉल्व करेंगे दिस इज एच कट आपको मिल जाएगा। के इज द वेव प्रोपिगेशन वेव वेक्टर। पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में हम इक्वेशंस को देख रहे हैं। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जिसमें हम वेव पैकेट ले रहे हैं फॉर फ्री पार्टिकल के लिए, ये एक्सप्रेशंस हमने यहाँ पे लिखा है। और जो वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं, आयोटा एच कट डेल साई ओवर डेल टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच कट स्क्वेयर अपॉन में 2m डेल स्क्वेयर साई ओवर डेल एक्स स्क्वेयर। दैट साई वेव फंक्शन इज एक्स और टाइम पर डिपेंडेंट है एंड दिस इज एक्स और टी का पार्ट। ये इक्वेशन आपको प्रूफ करनी है, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। तो उसके लिए हमें साई फंक्शंस पता होना चाहिए और साई वेव फंक्शन हमने वो फ्री पार्टिकल के लिए ये एज्यूम किया है। तो इसमें अगर आप यहाँ चेक करें इन केस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको जो फर्स्ट पार्ट यहाँ दिख रहा है डेल साई ओवर डेल टी, इट मीन्स इस फर्स्ट वेव फंक्शन को हम पहले फर्स्टली इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो इस इक्वेशन को अगर हम डी साई ओवर डी टी यहाँ पर फाइंड करते हैं तो इक्वेशन मिलेगी 1/√2π इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए के एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस एच कट के स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2m(t) एंड डी के। अब जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे टी के साथ में आप फंक्शन देखिए कौन सा है, माइनस एच कट के स्क्वेयर बाय 2m। तो ये वाली वैल्यू जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, एच कट के स्क्वेयर मल्टीप्लाई ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2m। और इसके साथ यहाँ पे आयोटा भी है तो इसके साथ यहाँ पे टर्म आ जाएगी मल्टीप्लाई 1 × आयोटा, तो आयोटा वाली टर्म भी हमने लिख दी। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ था इक्वेशन नंबर वन में लेफ्ट हैंड साइड आयोटा एच कट, तो यहाँ पे तो आयोटा एच कट नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कर रहे हैं। तो आयोटा एच कट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन बन जाएगी दिस टर्म और बाकी ये वाली टर्म एज इट इज़, माइनस एच कट के स्क्वेयर आयोटा डिवाइड बाई 2m √2π इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी
ए के एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस एच कर्ट के स्क्वेयर बाय टू एम इंटू टी इंटू डी के। अब यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी है आयोटा एच कर्ट, क्या इस इक्वेशन को यहाँ से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो दैट मीन्स ये हो जाएगा आयोटा एच कर्ट मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वेयर, और ये टर्म हो गई एच कर्ट स्क्वेयर। और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू ऑफ माइनस वन। ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो, और एक माइनस वन और आ गया, तो ये टर्म हो जाएगी यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट में प्लस वन एच कट स्क्वेयर के स्क्वेयर अपॉन में टू एम इंटू में रूट टू पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए के एक्सपोनेंशियल आयोटा ऑफ के एक्स माइनस एच कट के स्क्वेयर बाई टू एम इंटू टी ऑफ डी के। ये टर्म आ गई आयोटा एच कट डी साई ओवर डी टी। ये तो आ गया फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। अब इस इक्वेशन में अगर आप देखें इक्वेशन नंबर वन में राइट हैंड साइड में, कि जो हम वेव फंक्शन ले रहे थे उस वेव फंक्शन में अब हमें क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर है, तो हमें डबल इंटीग्रेशन डबल डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो अब हम सेकेंड पार्ट लेंगे राइट हैंड साइड में जो डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, हमें ये फाइंड करना है। और ये हम कैसे निकालेंगे, जब हम इसका पहले क्या फाइंड करेंगे, डी साई ओवर डी एक्स। किसका निकालेंगे, साई फंक्शन का। तो डी साई ओवर डी एक्स, क्या इक्वेशन लिखी थी हमने यहाँ पे साई फंक्शन की, सेम एज इट इज़ कंप्लीट यही वाली इक्वेशन थी साई फंक्शन के लिए, वन अपॉन रूट टू पाई, ये वाला पार्ट हम लिख रहे थे। ये देखो ये रही इक्वेशन जो आपने स्टार्टिंग में लिखी थी, अब इसका आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो इस इक्वेशन का सिंगल डिफरेंशिएशन जो होगा वन अपॉन में रूट टू पाई इंटीग्रेशन अपर लोअर लिमिट टू अपर लिमिट ए के एक्सपोनेंशियल आयोटा ऑफ के एक्स माइनस ऑफ एच कट के स्क्वेयर बाय टू एम इंटू टी इंटू डी के। अब एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आयोटा के बाहर आ जाएगा जो कॉन्स्टेंट टर्म है। अगेन दोबारा से हम डिफरेंशिएट करेंगे दैट मीन्स डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, तो वहाँ पे ये टर्म क्या हो जाएगी, अगर इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करती हूँ तो सेम अगेन आयोटा के बाहर आएगा। तो यहाँ पे ये टर्म क्या हो गई, आयोटा के का होल स्क्वेयर बन गया और अंडर द रूट ऑफ टू पाई, और ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी सेम। और आयोटा के स्क्वेयर को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वेयर इज माइनस वन, तो यहाँ पे के स्क्वेयर आपका एज इट इज रह जाएगा और वैल्यू नेगेटिव में आ गई। ओके लिख लेते हैं इस इक्वेशन को वापस, अगेन एक्सपोनेंशियल आयोटा ऑफ के एक्स माइनस एच कट के स्क्वेयर बाय टू एम इंटू टी ब्रैकेट क्लोज डी के। अब आप चेक करिए दिस इज इक्वेशन नंबर टू और दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। क्या अगर इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर टू में पुट करूँ तो ये वैल्यूज़ आपको दिख रही हैं के स्क्वेयर बाय रूट टू पाई, ये इक्वेशन बिल्कुल सेम है इक्वेशन नंबर टू में, ये वाले टर्म के स्क्वेयर अपॉन में रूट टू पाई। तो इस इक्वेशन को थ्री को आप टू में पुट कर दीजिए, तो ये इक्वेशन क्या थी, आयोटा एच कट डी साई ओवर टी टी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आयोटा एच कट डी साई ओवर डी टी इज इक्वल टू एच कट स्क्वेयर अपॉन में टू एम, यहाँ पे नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा है वो हमने यहाँ लिख लिया, और ये इक्वेशन को हमने एज इट इज पुट कर दिया डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। दिस इज वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट सोडिंजर वेव इक्वेशन, सोडिंजर वेव इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को ही हम ऑपरेटर फॉर्म में डिनोट करेंगे। अब जो ये वाला जो पार्ट आया है इस पार्ट को हम बोलते हैं एनर्जी फंक्शन, एंड इस पार्ट को हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक करके लिखेंगे मोमेंटम ऑपरेटर फॉर्म में। तो ऑपरेटर इक्वेशंस हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या होंगी, एनर्जी की इक्वेशन बन गई प्लस आयोटा एच कट डी साई ओवर डी टी, ठीक है।
ये डी बाई डी टी, क्योंकि वेव फंक्शन अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई साई भी आएगा, इज इक्वल टू प्लस आयोटा एच कट डी अपॉन में डी टी। और मोमेंटम ऑपरेटर्स के लिए जो कंडीशन है दैट इज माइनस पी, यहाँ प्लस है तो मोमेंटम के लिए माइनस आयोटा एच कट डी, यहाँ पे डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में। सेम इस इक्वेशन को आपको इस वाली इक्वेशन में जो आपने प्रूफ करी है उसमें कन्वर्ट करना है ऑपरेटर फॉर्म में। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव सीन हाउ टू कन्वर्ट दिस टर्म इन मोमेंटम ऑपरेटर फॉर्म एंड एनर्जी फॉर्म। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।